अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो? इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही खैर खैरियत से अपने घर में रह रहे होंगे और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से रहो और अपने घरों में बहुत ही खुश रहो और आपकी फैमिली भी बहुत ही खुशी से रहे। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हो। तो बस अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को पूरा और कंप्लीट देखा करें और मेरे चैनल को करें सपोर्ट। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं। फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगता पढ़ के। तो बस अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को पूरा और कंप्लीट देखा करें। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी और आपको और भी अच्छी अच्छी सी बातें बताने की कोशिश करूंगी। तो आप लोग जब कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छे अच्छे से करते हो जो मैं बातें बताती हूँ, तो मुझे पढ़कर फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है। और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें और चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा यही खुशी की बात है। जो मैं ब्लॉग डालती हूँ आप उसके बारे में बहुत अच्छा लिखते हो। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आप अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर मेरे चैनल को शेयर किया करें, तो इंशाल्लाह आप लोग के सपोर्ट से मेरा भी चैनल आगे आ जाएगा। बस फ्रेंड, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना था। और मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है नया जायका, मैंने कल के दिन वहाँ पर एक रेसिपी डाली हुई है, तो प्लीज़ वहाँ भी आप देख लें जाकर, इंशाल्लाह आपको वहाँ की भी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो बस आपको लिखना ये है मोबाइल के ऊपर, नया जायका लिखना है और मेरी सारी रेसिपी आ जाएगी। तो प्लीज़ वो चैनल भी आप देखें, इंशाल्लाह आपको वहाँ की रेसिपी ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड, इस चैनल को जैसे आप प्यार दे रहे हैं तो उस चैनल को भी दें। अब मैंने वहाँ पर रेसिपी डालना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वहाँ पे रेसिपी नहीं डाली थी, लेकिन अब मैंने डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं नई नई रेसिपी अब मैं वहाँ पे डालती रहूँगी, इंशाल्लाह वहाँ की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आती रहेगी। तो बस प्यार अपना बनाए रखें और मेरे चैनल को पूरा देखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मेरा भी चैनल आगे आ जाएगा। तो बस मेरी यही दुआ है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे रहो और आप लोगों की जो तबीयत कभी भी ना ख़राब हो। कोरोना वायरस जो निकला है उसके बारे में मैंने कहा था तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए, तो इंशाल्लाह ये चीज़ हमारे देश से ज़रूर चली जाएगी। तो बस यही दुआ करूँगी। तो फ्रेंड, बस अपना प्यार बनाए रखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए व्लॉग को कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से हमें थोड़ी सी शॉपिंग करना है, थोड़ा घर का सामान वगैरह ख़रीदना है, तो इस वजह से जा रहे हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ रास्ते का व्यू। तो ये वही मार्केट है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी बड़ा मार्केट है। जब भी मुझे कोई सामान ख़रीदना होता है तो मैं इसी मार्केट से ख़रीद लेती हूँ और ये काफ़ी अच्छा मार्केट है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ चश्मे, तो चश्मे हमारे आ चुके हैं और लेंस कार्ड वाले ने हमें घर बैठे ये चश्मे ला कर दिया है और घर ही बैठे हमने चश्मे अपने टेस्ट करवाए थे। तो ये चश्मे हमें मिले हैं एक के ऊपर एक फ्री, तो एक का पैसा हमने भरा था और एक हमें फ्री में मिला है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेड चश्मे हैं और काफ़ी अच्छे हैं, तो इस तरह से ऑनलाइन आप ज़रूर बनवाया करें। इस तरह से जो लोग बाहर जा के चश्मा टेस्ट नहीं करवा सकते हैं तो वो ऑनलाइन चश्मे ज़रूर बनवाएं। और ये काफ़ी अच्छा चश्मा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसमें से, एकदम साफ़ सुथरा और इसकी कांच भी काफ़ी अच्छी है। तो ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप ऑनलाइन चश्मा ज़रूर बनवाएं, बहुत अच्छा बना था ये। लेंस कार्ड वाले ने हमें बहुत कुछ आसानी से घर बैठे दिया है।
और यहाँ पे हमें चश्मा एक के ऊपर एक मिला है फ्री, तो दो चश्मे हमें मिले हैं 1850 रुपए में। तो हमने चार चश्मे बनवाए थे, तो ये बहुत अच्छा चश्मा है और काफी आसानी से हमें घर बैठे मिल गए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और तो इस तरह से आप अगर बनवाना चाहें तो लेंस कार्ड वाले को अपने घर में बुलाकर आसानी से चश्मे बनवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जा नहीं सकता है, तो उसे घर बैठे आप चश्मा बनवा सकते हैं, बुलाकर फोन करके आप घर में उसे बुलाएं और चश्मा बनवा सकते हैं। और डब्बे भी काफी इम्पोर्टेड दिया है, बहुत ही मजबूत डब्बे हैं ये, और चश्मे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप चश्मा ज़रूर ऑनलाइन बनवाएं। तो ये मेरे बेटे का चश्मा है, मेरे चश्मे के साथ उसको ये चश्मा मिला है फ्री और मेरे गए हैं 1850 रुपए चश्मे के। उसके साथ मिला है हमें एक नैपकिन और ये कार्ड भी उसी के साथ मिला है चश्मे के। तो इस तरह से घर बैठे आसानी से चश्मे जरूर बनवाएं। यहाँ पर मेरा बेटा कॉलेज से आ चुका है और ये बच्ची की माँ है, जो बच्ची को मैं आपके साथ हमेशा दिखाती हूँ। और ये बहुत शौक से मेकअप कर रही है, मुंह अपना लाल कर कर बैठी है, इसे मेकअप करने का बहुत शौक है। तो अब ये नहा धोकर आई है, अपना मुंह पूरा गंदा कर लिया था इसने। तो एक दिन इसके घर में पेंट लग रहा था, तो ये पेंट को मेकअप समझ के अपने मुंह पर सब लगाकर बैठ गई थी। तो ये बड़ी ही शरारती बच्ची है, इस तरह की हरकतें करती है। यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई है, तो ये मैं राशन वगैरह लेकर आई हूँ, लेकर आई नहीं और मेरे घर में ही लाकर दिया है। तो ये बैठी है मेरे पास। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन राशन ज़रूर लिया करें, ऑनलाइन राशन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो क्या क्या चीज़ लिया करें वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल जाती हैं, फ्रेश मिल जाता है इस तरीके का ऑनलाइन सामान, आप ज़रूर बुक किया करें। और काफ़ी साफ़ सुथरा राशन होता है ऑनलाइन का, तो इस तरह से दाल वगैरह ज़रूर लें ऑनलाइन, सब बहुत अच्छा होता है, एकदम साफ़ सुथरा होता है राशन। तो बेसन वगैरह भी आप ले सकते हैं, दालें वगैरह ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सब आप स्टोर करके फ्रिज में रखा करें, सेंगदाने, इमली, चने, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। रवा भी रख सकते हैं आप फ्रिज में, मैदा, बेसन, तो इस तरह की चीज़ें आप रखें फ्रिज में, कीड़ा नहीं लगेगा। और यहाँ पर मैं बासमती राइस दिखा रही हूँ, तो ये हमने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, क्योंकि ऑनलाइन चावल ना लें आप, और ये सिंपल राइस हैं डेली यूज़ के। तो चावल आप जाकर खुद पसंद करके लें, क्योंकि बाहर से चावल ऑनलाइन मंगाएंगे तो वो अच्छे नहीं होते ज़्यादा। और गेहूं आप अपने लेकर आएं, उसको पिसवाएं, और घर में जो ऑनलाइन आटा मिलता है आशीर्वाद का, वो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो सही आटा नहीं होता, रोटियाँ इतनी अच्छी नहीं बनती हैं उसकी। इस तरह से गेहूं मंगाकर, फ्रेश गेहूं पिसाकर रोटी बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये मैं मना कर रही हूँ, आटा बिल्कुल ना लें, कीड़े वगैरह पीस देते हैं गेहूं के साथ,
और यहाँ पर मैं दिखा रही पूरी दालें मैंने कंटेनर में भर कर रख दिया है। तो इस तरह से स्टोर करके साफ सुथरे डब्बों में आप रखें, तो इस वजह से मैं ये दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे दिखा रही हूँ सब्जियां, सब्जियां भी आप जो है सब साफ सुथरी करके ही फ्रिज में रखें, ऐसे डायरेक्ट ना रखें, सब्जियां सब खराब हो जाती हैं। अगर साफ सुथरे पन से आप रखेंगे तो सब्जियां 10 से 12 दिन आपकी एकदम फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि मैं रखती हूँ मेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। यहाँ पर मेरा काम पूरा हो चुका है, ये नेक्स्ट डे है, मेरा दूसरा दिन है, दूसरे दिन का मैंने ये शूट किया था। तो घर मेरा बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो चुका है। ये संडे का दिन है मेरा, अब वो सैटरडे दिन का मैंने जो है बताया है। तो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, घर की साफ सफाई हो चुकी है। किचन भी बहुत ही साफ सुथरा कर लिया है। तो इस तरह से काम हो ही जाता है, संडे का दिन होता है तो काम बहुत ज्यादा पड़ता है। तो सारा काम हो चुका है कंप्लीट। सुबह का टाइम है और संडे का दिन है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए ऑमलेट और ब्रेड। तो इस तरह से उसे नाश्ता दूंगी। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं इसकी बना रही हूँ चाय, और चाय पीना है मुझे, तो इस वजह से मैं चाय बना रही हूँ। और ये मॉर्निंग ही डे है, सुबह का टाइम है, तो इस तरह से मुझे चाय पसंद आती है। ज़्यादातर मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ, कभी कभी मैं पानी वाली भी चाय बना लेती हूँ बच्चों के लिए। तो संडे के दिन काफ़ी काम होता है, बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, दिन कब चला जाता है पता नहीं चलता है, सब लोगों की छुट्टी भी होती है, तो इस वजह से टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है, काम भी काफ़ी ज़्यादा सा रहता है। तो मैंने यहाँ कप में निकाल लिया है चाय, और यहाँ पर मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन फ्राई। तो सबसे पहले चिकन को वॉश कर लिया था, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, कॉर्नफ्लोर मैदा और फूड कलर और लेमन जूस, ये सारी चीज़ें डालकर मैरिनेट हमने कर लिया था। अब हम इसे कर रहे हैं फ्राई। अगर ये रेसिपी आपको देखना है तो मेरे इसी चैनल पर है, आप कंप्लीट देख सकते हैं, अगर चिकन फ्राई आपको बनाना है तो। तो यहाँ पर मेरी चिकन फ्राई बहुत अच्छे से बन चुकी है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना आप। आपको मेरा ये व्लॉग लगा कैसा, व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। We'll be right back.